जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है 10 क्लास का संस्कृत और हिंदी से कुछ सवाल करेंगे ऑब्जेक्टिव, तो शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहिए। क्या तुम लोग रेडी हो सवाल का जवाब देने के लिए? जोर से बोलो, रेडी हो? चलो तो सबसे पहले हम पूछते हैं, ये 9th क्लास का विद्यार्थी है लेकिन 10 में पढ़ता है। खड़े हो जाओ दिव्यांशु। ये बताओ अलस कथा पाठ में कितने आलसी सोए रह गए? 4। अलस कथा पाठ का लेखक कौन है? विद्यापति। गुड। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। वेरी गुड, बढ़ जाओ। तुम बताओ चारों आलसियों को कैसे बाहर किया था? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया था? टांग पकड़ कर। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया था? टांग पकड़ कर। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया था? एनीबॉडी? वेरी गुड। ये बताओ मंगलम पाठ में कुल कितना मंत्र है? 5। मंगलम पाठ के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। वेरी गुड। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया? याद नहीं पता। उपनिषद से। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। आप खड़े हो जाइए। उपनिषद के रचनाकार कौन है? नहीं पता है। महर्षि वेद व्यास। वेरी गुड। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। वेरी गुड, बैठो। पुराणों की संख्या? 18। वेदों की संख्या? 4। वेदांगों की संख्या? 6। नाम बताओ। छंद, कल्प, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त। वेरी गुड। ये बताओ, बैठने न बोले हैं, जल्दी है क्या? जल्दी, हक नहीं लगा है? हाँ तुम बताओ गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई? 2525 किलोमीटर। वेरी गुड। ये बताओ पाटलिपुत्र गंगा नदी के किस दिशा में स्थित है? उत्तर में। हाँ उत्तर में। किस दिशा में? उत्तर में। वेरी गुड। क्या नाम हुआ आपका? शिवम। शिवम, ये बताओ गुरु नानक जी के माता पिता और पत्नी का क्या नाम था? गुरु नानक जी का हाथ निकालो जल्दी, ये भी पता नहीं है, ये बोला हाथ दो, ये बोला ये। अरे गुरु नानक जी के माता पिता और पत्नी का नाम? बैठो। माता का नाम तृप्ता देवी, पत्नी का नाम सुलक्षण देवी, पति का नाम कालूचंद खत्री, पिता का नाम कालूचंद खत्री, पति का नाम कालूचंद। वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। आप खड़े हो जाइए। ये बताइए गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1458। सर जी याद नहीं। गुरु नानक जी, हाँ नेक्स्ट, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। वेरी गुड। 1469 में जाकर क्या करना? रिवीजन करना है। क्या करना? कंफ्यूज आ गए थे। महिला पार्टी खड़े हो जाइए, आप बोलिए। दादा लट लकार का सूत्र बताओ। लट तीतंति सीता था आमिया बाम। वेरी गुड। लंग लकार का? रथमान हाथ मत आम। वेरी गुड, खड़े हो जाओ। तुम बताओ भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया? भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया? आदलाओ हम बताते हैं। ऊपर 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 ऊपर। अब खड़े हो जाइए। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया? उपसर्ग से। ससुर वहाँ पे है। आप खड़े हो जाइए। सुजान दस्तखान किसकी रचना है? सुजान दस्तखान किसकी रचना है? भारत में महिमा का। सुजान दस्तखान किसकी रचना है? खड़ी हो जाओ। सुजान दस्तखान किसकी रचना है? घनानंद की। वेरी गुड, घनानंद का भी बताते हैं। खड़े हो जाओ। सुजान रसखान किसकी रचना? रसखान। रसखान का नाम में ही रसखान, नाम में ही रसखान, नाम ही क्या? उपसर। बढ़ जा दोनों तीनों तुम। ये बताइए विधिलिंग लकार का सूत्र क्या होता है? विधिलिंग लकार का सूत्र
एनीबडी वेरी गुड। आज लो घर में जाकर क्या करना याद करना।